मेरे घर में तो बना था गोश्त की कढ़ाई, चिकन की कढ़ाई, क्योंकि इसी तरह की खाने खाए जाते कढ़ाइयां थी, हाँ कढ़ाइयां थी, और मक्खनी चिकन की, अच्छा चिकन मकनी थी। यासा ने कहा था चावल नहीं रखना इस दफा, लेकिन जब आए ना लोग तो दानिश ने कहा यार भाभी मेरा बिरयानी खाने को दिल चाह रहा है, फिर मैंने अल्लाह वाली बिरयानी थी वहां से बिरयानी मंगवा ली ड्राइवर भेज के, मैंने कहा अच्छा, और हमने बच्चों के लिए रेड पास्ता बनाया तो एक मॉडर्न खाना हो गया, सैलेड रायता ये वो, हाँ सो वो फिर हमने ना बिरयानी मंगा ली थी, तो वो ये हमारे घर की वो थी मेन्यू। आपका घर का मेन्यू क्या था? कल का नहीं, फर्स्ट डे घर पे थे, गोला कबाब था, पूरियां थी, चना था और आलू की भुजिया थी और सेवैयां थी, काफी सारी चीजें थी। मेरे घर का अभी हमने डाइनिंग टेबल दिखाई थी, ताया के घर तो बहुत चीजें थी, ताया के घर हलीम थी, चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी थी, नहारी थी और देसी चीजें होती हैं सबके, हाँ देसी चीजें थी तो वो हमने खा ली थी। मेरे घर में मैंने फ्राइड चॉप्स की थी विद रोस्टेड पोटैटोज एंड गार्लिक सॉस, फिर मैंने बिरयानी बनाई थी, चिकन मटन का कोरमा बनाया था बिकॉज वी लव दैट विद शीरमाल, और वही गोला कबाब या बिहारी कबाब जो भी आप कह लें, अगेन आई लव इट विद शीरमाल, वी ऑल लव इट, तो ये चार चीजें बनाई थी, और शीर कोरमा मैंने चार रात को ही चढ़ा दिया था। अच्छा एक्चुअली ये सारे प्रेप चांद रात को ही स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि शीर कोरमा पकता है मेरा 5 से 6 घंटे, अच्छा तो और टेंशन ये थी कि गैस ना चली जाए, सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है, चारों पांचों दिन चांद रात से लेके थर्ड डे तक कल रात तक भी टाइम रात को गई थी, रात हो गई थी। अच्छा मैंने तो जब तुम बताओ तुमने क्या भाई सिंगापुरियन राइस थे, हाँ वो जो हमने दिखाया, फ्राइड चॉप्स थी, दाल थी हमारे, हाँ। दाल क्योंकि पूरा रमजान नहीं है मेरे जैसे लोग दाल ही खाएंगे, शक होता है पूरा रमजान नहीं बनी, इसके अलावा श्रिम्प बिरयानी थी, ओहो और दो चार चीज थोड़ी थोड़ी मैंने बना ली थी सारी चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आता पहले दिन। अच्छा हाँ आप लोग जाते हैं? हम लोग मिलने के लिए, पहले ये था कि सऊद की जो फूफी जान है वो हयात थी, तो हम दोपहर में उनके यहाँ खाना खाते थे, हमारे दोपहर का भी खाना नहीं बनता था, बस सुबह का नाश्ते के लिए जो भी बनाना होता कीमे पराठे और इस टाइप की चीजें बनती थी, और शीर खोरमा तो ऑफकोर्स वो तो बनता ही है। तो अब जब से उनका इंतकाल हुआ है तो ज़ाहिर है जो बहुएँ उनकी हैं वो अपने अपने फैमिलीज़ में चली जाती हैं, तो अब हम अम्मी के यहाँ ही जाते हैं, शाम को निकलते हैं, सुबह के बाद हम थोड़ा सा खाना वाना खा के रेस्ट करते हैं, फिर शाम को अम्मी की तरफ जाते हैं। अम्मी के यहाँ हमारे था इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वैसे अम्मी हमेशा करती थी, भाभियाँ काम तो ज़ाहिर करवाती हैं, लेकिन इस बार एक भाई ने इफ्तार की, अच्छा हाँ बड़े भाई भाई ने, और एक भाई ने ईद का खाना किया, तो अच्छा। उसने जो है लेकिन अम्मी ने अपना भी फुस दिया पीछे, सुकून नहीं मिलता ना जब तक वो कुछ ना करे, तो बारबेक्यू किया था, उसमें वो बिहारी कबाब थे, टिक्के थे और बहुत जबरदस्त मसाले, हमेशा खाते ज्यादा तेज, मेरी मसाला कैसे लगा, जब मेरी अम्मी हयात थी, जब मेरी अम्मी हयात थी तो हमारी ईद का जो डिनर होता था वो उनके घर होता था, अभी जो है ना मुझे ऐसा लगा कि मेरी भाभी अभी छोटी है और अभी एक साल हुआ है, सो हमने क्या किया, हमने कहा कि देखो सर जो बड़ा होता है ना उसके यहाँ होता है मसला ये है कि देखो ना एक कुछ भी अगर आप खुद नहीं भी पका रहे आपको दावत हैंडल करना है, बिल्कुल अभी मेरी भाभी को वो नहीं इतना आता, तो हमें लगा कि उसके ऊपर बर्डन होगा, मेरी भाभी है तो हमने क्या किया, जो सिना है मेरी जो दूसरी बहन है, क्योंकि लंच मेरे यहाँ था ना, तो हमने प्लान किया कि सिना के घर पे हम सब वन डिश कर लें, ये बेस्ट, एक डिश मैं बना के लिया, एक डिश दूसरी बहन बना के लिया, एक भाभी बना के लिया, एक सिना, और उसके घर पे हमने गेट टुगेदर कर ली, तो उससे ये फायदा हुआ कि मेरी भाभी पे बर्डन नहीं आया, मैंने कहा वो अभी सबसे छोटी है, पहले वो देख तो ले, अच्छा बड़ी मजे की बात हुई, जैसे शीर खुरमा बनाते हैं ना तो सब लेकर आते हैं, तो मेरी बहन जो है उसकी भी वो है, तो अभी हुई है रुबाब की दोबारा निकाह हुआ है माशाल्लाह, तो उस वो भी लेकर आई, तो हुआ ये कि मेरी भाभियों ने क्या किया, मैं भाभी और बहनों ने सारे शीर खुरमे ले आई और कहने लगी आप बताएंगी किसने कौन सा बनाया है, अच्छा ये कौन सा जज बात, सुनो सुनो हाँ मैंने तीनों चखे, एक में थी किशमिश, मेरी अम्मी किशमिश नहीं डालती, अच्छा दूसरा जो था वो मेरा टेस्ट था, मेरी भाभी हमेशा मुझसे पूछी खाने बनाती है, अच्छा और तीसरा जो था वो जाहिर अम्मी का हुआ, फिर तो मैं इस तरह पहचान गई, मैंने कहा अम्मी किशमिश डालती है, ये रुबाब ने बनाया, ये मेरे जैसा है या अर्शीन ने बनाया।